महक। ध्यान रखना की। I love you. I love you, sure. Please जल्दी से मेरे पास आ जाओ। केस वापस लेने की हमारी भी शर्त है। बोलो पम्मी, शर्त मंजूर है तुम्हें? मंजूर है मुझे। फिर आप इस पेपर पे साइन करके इस केस को वापस ले लीजिए। इसमें तो कोर्ट चाहिए होगा। बस पता नहीं ऊपर क्या हो रहा है। भगवान, शौर्य को बचाना। को बुलाओ। महक अभी आ रही है। पत्नी काश जान है, वो ऐसे कैसे जा सकती है कहीं? भगवान, मेरा शौर्य ठीक हो। ये भगवान, अभी कैसा अपशगुन है? कहीं सच में शौर्य के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? समय घर नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे शौर्य को ढूंढना है। महक, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा ना, मैं तेरे शौर्य को वापस लेकर आऊंगा। तुम अब घर चलो। देखो मैं ऐसे, तुम अपनी फैमिली को और भी परेशान कर रही है। मानो मेरी बात, घर जाओ। मैं शौर्य को ढूंढ रहा हूँ ना। घर पे शौर्य का श्राद्ध हो रहा है, और अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जो कभी मरा ही नहीं वो मिल नहीं रहा है। मैं अपने घर वालों के समान उनकी नजरें, उनके उदास चेहरों का सामना नहीं कर सकती। सर मैं हार चुकी। बेटा, तारे हमेशा अंधेरे में ही दिखते हैं ना, और हमारे विश्वास का इम्तिहान ऐसे ही मौकों पर होता है जब विश्वास पूरी तरह टूटने लगे। भगवान से बोला था कि अगर मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 10 लोगों को प्रसाद खिलाऊंगी। आसान है हार मान लेना, लेकिन जीत उसी को मिलती है जो खुद को जलाकर अपने अंदर के विश्वास के दीपक को जला के रखे। अंदर है क्या? माय गॉड, अरे यार मम्मा छोड़ो इसे, क्यों मारी छोटे को? तूने जो काम किया ना वो ये ना करे। रोहित ने बताया कि सारे जमाने के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी कि मेरा बेटा गंदी फिल्में देखता है। तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे मामी, मामी छोड़ो, मामी, मामी छोड़ो ना। मेरी बात तो कौन सी बात बताएगा तू मुझे? तू छोड़ो। रोज ये फैमिली सर्कस लगाकर ना तुम तो बहुत अच्छा एंटरटेन करते हो। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि महक भी डर्टी खेलने लगे। क्या चाल चले? हमको झूठे केस में फंसा कर प्रॉपर्टी का कन्फेशन निकलवाना चाहते। तो फिर अब क्या करें? ये बहुत अच्छा मौका है। सब लोग शौर्य को ढूंढेंगे और हम प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। फिर शौर्य जिए या मरे हमारा कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग आपस में लड़ना बंद करके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। इससे पहले कि शौर्य मुद्दा से जिंदा हो जाए पावर अपने नाम कर लो। ठीक है, मैं कराता हूँ रजिस्ट्री। चलो शौर्य! घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है शौर्य? शौर्य को ढूंढिए। इतना बुरा सपना सच नहीं हो सकता। घबराइए मत करुणा बहन जी, शौर्य मिल जाएगा। बच्चे से गलती हो गई है और गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देगा भगवान। गलती दोनों ने की मगर सजा सिर्फ मेरे शौर्य को मिली। क्या कर लेंगे आप लोग बताइए? क्या मदद करेंगे बताइए? बुआ, पुलिस ढूंढ रही है भैया को। भाभी और खुराना सर भी तो। भाभी और खुराना, बंद कर इन दोनों का नाम जपना। इन दोनों की वजह से मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। बहुत थक गई होगी ना तो अपने किए का बोझ उठाते उठाते। चाची सॉरी। करुणा जी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ताकत लगेगी बेटा। जितने घटिया तुम लोग हो ना उतनी ही घटिया तुम्हारी महक प्रॉपर्टी के लालच में यहाँ वहाँ घूम रही है, केस फाइल कर रही है हमारे अगेंस्ट। करुणा जी, इस मक्कार लड़की पे भरोसा मत कीजिए। अपनी दुलारी की तरफदारी करना बंद कीजिए। महक कितना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। महक के लिए अब शौर्य नहीं, पैसा और प्रॉपर्टी ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि ऋषभ जी कहाँ मिलेंगे? यस मैम, वो तो अभी मीटिंग के लिए निकले हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में। I'm sure ये प्रीता ही थी। आज मेरा कितना लकी दिन है, सुबह जॉब मिली और अभी प्रीता। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तेजस्विनी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं कभी उस पर आंच नहीं आने दूंगा। वो लड़का तो तुझे पागलों की तरह प्यार करता है, आखिर तू कब तक उससे नफरत कर पाएगी? मेरे और मेरे पापा के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। उस धर्म सिंह राठौर और उसके परिवार के एक एक सदस्य से तेजस्विनी सिर्फ नफरत कर सकती है, प्यार नहीं। अभी सोच लो, गलत गलत रहेगा और सही सही। जब आपको धोखे से जेल में डाला गया तब कहाँ गए थे दुनिया के उसूल? इसका मतलब दूसरे जो भी करे हम भी आग बनकर वही सब करें? मुझे कोई और क्या करता ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसूल जिंदगी भर मेरे साथ चले। आपके उसूलों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा नरेन। तो फिर तुम चाचा चाची के पास जाओगी और उन्हें सारी सच्चाई बताओगी या मैं खुद उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगा? अभी अभी तो गौरी का पता चला था, अब ये तीनों फंस गए। पता नहीं उन पुलिस वालों ने उनकी मदद की भी होगी या नहीं। भाई साहब, हमने चोरी नहीं करी। तब तक पीटो इनको जब तक कि ये तीनों अपना जुर्म कबूल ना कर ले। पीटो। हमें सेठ जी को गांव से दूर जंगल में रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। तुम अब आ रहे हो? तुमने मुझे इस घर में बंदी बनाकर रख दिया है और मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो। हमें अपनी बहन गौरी को बचाना है। खोलो,